कमीने, तुम ये समझ रहे थे कि हम तो राजपुताना के रेगिस्तानों में भटक रहे हैं, तो दिल्ली में तुम जो चाहो कर लो। हाँ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने सारी दिल्ली को लूटा, जिसके लिए हम तुम्हें माफ कर सकते थे, लेकिन जो सलूक तुमने शहंशाह शाह आलम सानी के साथ किया है, उसके लिए हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। आग के बदले आग, यही तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, यही तुम्हारी सजा है, यही। नहीं माजी, मैं उस वक्त होश में नहीं था माजी, मैं उस वक्त नशे में था, मुझे कुछ मालूम नहीं था मैं क्या कर रहा हूं। मैं दौलत के लालच में अंधा हो गया था महाराज जी, मुझसे गलती हो गई महाराज जी, मुझे माफ कर दो महाराज जी। मेरी आंखें मत निकालना महाराज जी, मेरी आंखें मत निकालना महाराज जी, महाराज जी। हमें तुमको माफ करने का कोई हक नहीं है, सिर्फ सजा देने का इख्तियार है गुलाम कादर। हम शहंशाह के हुक्म की तामील करेंगे, सिपाहियों इस हराम ज़ादे की आंखें निकाल लो। नहीं माजी, नहीं, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, माजिंग को रोको, माजिंग को रोको, नहीं, नहीं, माजिंग को रोको, नहीं, नहीं। क्या हुआ हुजूर? कुछ नहीं साहब। जिले सुभाने का इकबाल बुलंद, सेनापति महाजी सिंधिया के सरदार निम्बालकर बारियाब होना चाहते हैं, उन्हें फौरन यहां हाजिर किया जाए। जो सैफुद्दीन जी आलमगीर, महाजी सिंधिया हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ खुशखबरी लेकर आए हैं, उम्मीद है आज भी ऐसा ही होगा। खुदा करे हुजूर की जुबान मुबारक हो। सेनापति सूबेदार महाजी सिंधिया महाराज ने शहंशाह को तोहफा भेजा है। क्या तोहफा भेजा है? गुलाम कादिर की आंखें। कहां है उस बदसात की वो बेनूर आंखें? यहां लाओ, हमारे सामने पेश करो। सैफुद्दीन जी आलम पनाह, सैफुद्दीन यहां आओ, हमारी जगह, हमारी जगह गुलाम कादिर की आंखों को तुम देखोगे। जी आलम पनाह, हमारा दिल ठंडा हो जाएगा। जो रुक मालम पना, इधर लाइए। देख ली आलम पना, और हमने भी देख लिया मां जी का इंसाफ। महाज जी के सिवाय हमारा इंतकाम लेने का और किसी में जज्बा हो ही नहीं सकता था। मुकाबिर को इस दुनिया में ही अपने किए की सजा देकर, तब उसकी जिंदगी में ना ही सूरज की रोशनी होगी और ना ही चांद की। हमारी ही तरह वो भी कब्र की अंधेरी में मरते दम तक सांस। हमारी तरह
बनाम वकील मुतलक श्रीनाथ आलीजा बहादुर जनाब महाजी सिंधिया। हमें जिंदगी में जो बहुत ही कम खुशियां मिली है वो आप ही के जरिए मिली है। इनमें से सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमें बेहिस्सा बेरहम गुलाम कादिर की आंखें मौसूल हुई। हमें लगा जैसे हमारी आंखें हमें मिल गई, दिलो दिमाग में एक नूर सा फैल गया। खुदा और इंसान के कानून के मुताबिक आपने गुलाम कादिर को सजा दी। उम्मीद है कि वो अपनी अंधी आंखों से अब वो नेकी और सच्चाई की रोशनी देखेगा। वस्सलाम शाह आलम सानी। कभी कभी शहंशाह भी एक बेबस इंसान होता है, और हर वो इंसान शहंशाह होता है जिसे दुनिया में किसी चीज की तलब ना हो। हर वो इंसान शहंशाह होता है।